टाइम में अब बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी पर संसद में घमासान छिड़ा हुआ है, आज भी कामकाज अब तक नहीं हो पाया है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सदन के भीतर की, केवल हंगामा हंगामा और हंगामा। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो वहीं बीजेपी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। माफी मांगो, माफी मांगो। चेयरमैन सर, मेरे साथी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो क्रम संख्या 2 पर आज की संशोधित कार्रवाई के अंदर अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। चेयरमैन सर, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो श्रीपद यशो नाइक के नाम के सामने अंकित है, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मेरे नाम के आगे जो क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह जी। सर, विद योर परमिशन आई राइज टू ले पेपर्स ऑन द टेबल ऑफ द हाउस एज मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 5 इन द रिवाइज्ड ऑफ बिजनेस टुडे। आइटम नंबर 6, श्री कृष्णपाल सिंह जी। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर राहुल गांधी माफी मांगो के सामने सम्मुख दस्तावेज सदन के पटल पर। राहुल गांधी माफी मांगो। आइटम नंबर 7, पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 7 पर वर्णित कागजात आपके अनुमति से सदन के पटल पर। देखिए, सदन में हंगामा हो रहा है लगातार। राहुल गांधी माफी मांगे, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार राहुल के माफीनामे की मांग पर अड़ी है तो विपक्ष अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस का एक और झटका लगा है। ममता बनर्जी ने राहुल पर डायरेक्ट अटैक कर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर राहुल को हीरो बना रही है ताकि पीएम मोदी की आलोचना से बच निकले। आखिर ममता ने के इस बयान के अगले साल होने वाले चुनावों से पहले विपक्षी एकजुटता पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रश्न संख्या 261, दिलीप सिंह क्या ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है माननीय सदस्य? ये उचित नहीं है माननीय सदस्य। जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा। 13 मार्च कोई कामकाज। 2014 के बारे में और उन्होंने कहा। 14 मार्च बवाल और हंगामा। गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, उन्होंने आज के माफी मांगी थी। अगर ये चर्चा चाहते तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उस पर भी चर्चा हो जाए। 15 मार्च नारेबाजी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। 16 मार्च संसद में शोरगुल। 17 मार्च कोई कामकाज नहीं। आपको भी इतना अवसर दूंगा, मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। तारीख बदली, तस्वीर नहीं। वही शोरगुल, वही नारेबाजी, वही हंगामा और संसद की कार्यवाही स्थगित होने का वही नजारा। बोर्ड लेके आना आपको शोभा नहीं देता है। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 6ठा दिन है, लेकिन 6 दिन में काम के नाम पर हुआ है तो केवल और केवल हंगामा और नारेबाजी। प्रश्न संख्या 261, दिलीप सिंह क्या
प्रश्न संख्या 261 दिलीप सिंह क्या प्रश्नकाल के बाद आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हुई। लोकसभा के स्पीकर ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन नतीजा निकला वही ढाक के तीन पात। न सत्ता पक्ष शांत हुआ, न विपक्ष की तरफ से नारेबाजी कम हुई। बैठिए, आप बैठिए। पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तकिया लेकर आओगी? ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका? पार्लियामेंट फंक्शन हो और तकिया लेकर आ रही हो? माननीय सदस्य, तकतियां रखिए, पार्लियामेंट फंक्शन तकिया लेके नहीं आता। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। राज्यसभा में कुछ देर तक अलग तस्वीर दिखी, 5 मिनट तक हालात सामान्य रहा। राज्यसभा के सदस्य और सभापति हंसी ठहाके भी लगाते दिखे। लेकिन जल्द ही माहौल बदल गया। इसके पहले कि सभापति अडानी मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए मिले नोटिस पर फैसला सुनाते, हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे और सभापति ने दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।